बैक टू ए प्लस मॉर्निंग. हमारे दूसरे म्यूजिकल फनकार गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं जुनेद के हवाले करती हूँ, क्योंकि जुनेद सिंगर हैं, तो आज जुनेद को जरा लाइमलाइट ज्यादा दी जाएगी. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. मैं आ चुका हूँ पहले लिंक में. मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है आज. और कि वो नहीं, नहीं, ये ड्रामा करे तीन तीन इतने बड़े यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए सिंगर्स, और ये भी यूथ को रिप्रेजेंट करें, तो ये कह रहे हैं कि मैं वही कहने लगा था कि मेरा गला इस वजह से नहीं खराब हुआ, इस वजह से नहीं खराब हुआ कि बहुत अच्छे तीन सिंगर्स आ गए, लेकिन वाकई मेरा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, लेकिन आज मेरी कसर जो है वो बाकी सारे पूरी करेंगे, गा के पूरी करेंगे. और एक इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है. यहाँ पे शुजात बैठे हैं हमारे साथ यहाँ पे, और उनका नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें खास बात यह है कि जिस घराने से उनका ताल्लुक है वो बड़े सगीर पाक हुए इनके बहुत बड़े घरानों में से गायकी के. सलामत अली खान साहब का नाम कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में, जहाँ पे ईस्टर्न क्लासिकल समझा जाता है वहाँ पे सलामत अली खान साहब का नाम मेरे ख्याल से टॉप में है. तो उनके पोते हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और अभी रिसेंटली वो ये बता रही हैं आपको शक्कर साहब के बेटे हैं, और लेकिन शराफत साहब नाम ले रही थी ना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था. खैर नहीं, मैं जुनेद को तंग कर रही हूँ. मैंने कहा जरा कह रहा है गला खराब है, तो मैं भी इंट्रो में नहीं मजाक करती मैं. तो इनका मैं इंट्रो मैं इस तरह करवाना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से सारेगा वहां पे भी गए, और वहां पे भी बड़े अच्छे, मतलब अपनी, हमारे सिंगर्स की बात यह है कि अपनी प्रेजेंस शो करते हैं हर दफा, कि जब जाते हैं तो उनकी आंखें और मुंह और कान खुल जाते हैं एक दफा के कोई आया है अक्रॉस द बॉर्डर से. तो शुजात मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे ये बताएं कि कोई वाकया शेयर करें. आप 2009 में गए थे सर? जी 2009. तो कौन सी पोजीशन तक गए? टॉप 10 तक रहा हूं मैं वहां. मेरे ख्याल से टॉप 10 में जब आप चले जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से टॉप 10 विनर होते हैं. बिल्कुल. फिर क्योंकि उसके बाद फिर पब्लिक वोटिंग और वो जो एक अजीब सी चीज होती है ना, उसमें किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या. फिर जुनैद भाई आपको पता है एक फेवरेटिज्म आ जाता है, हर कंट्री का एक अपना एक निजाम है, एक अपनी पसंद है उनकी. तो टॉप 10 तक बड़ा अच्छा सफर रहा. बहुत जबरदस्त. एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू आप दोनों के. और मुझे अब क्या हो रहा है? अच्छा. तो मुझे ये बताएं कि कोई बड़ा कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएं उससे सारेगामा से रिलेटेड. जुनैद भाई मैं एक ही मुझे बड़ा अच्छा एक वाकया याद है सिंगिंग के हवाले से. हाँ बिल्कुल, जो भी सिंगिंग आप जब जिस दौरान रहे आप इंडिया में. तो परफॉर्मेंस के लिहाज से एक मुझे बड़ा अच्छा वाकया मुझे याद है कि काफ़ी फ्राइट था, एक डर सा होता है आप इतनी बड़ी स्टेज पर जाके गा रहे हैं और बिग सेलिब्रिटीज और बिग जजेस आपके सामने बैठे हैं. उस सीजन में जज कौन था? उस सीजन में शंकर महादेवन थे. अच्छा. आदेश जी थे, हिमेश शमिया, प्रीतम और महागुरु जो थे वो भेजा कराई या नहीं कराई मेरा ख्याल है. बस जी कोशिश की है, अल्लाह ने साथ दिया और अल्लाह का करम है. तो जुनैद भाई बैठा हुआ तो परफॉर्मेंस आ गई एक, और सामने आशा भोसले जी बैठी, तो आपको पता ही है कि एक जूनियर के लिए क्या कैफियत होगी. तो मैंने भी मौला का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके शुरू हो गया. एक खमाज था, एक आइटम सावन भी तो जाए, शफकत अमानत जी ने गाया पटियाला घराना से, हमारे बड़े हैं वो भी. तो वो एक आइटम गाया मैंने, बड़ी एक ऐसा लहर बन गई कि हिमेश शमिया रो पड़ा, स्टेज पर आ गया शंकर जी सारे और इवन आशा जी. फिर खान साहब का नाम लिया उन्होंने, दादाजी का, कि मुझे बताया आप सलामत अली खान साहब के अब बहुत अच्छा गाते हैं. तो इट वाज अ वेरी गुड मेमोरीज आप कह लें. मतलब वो सलामत अली खान साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मेरे ख्याल से जो वहाँ पे जज बैठे हुए थे ना वो उनके लिए भी मतलब अब मैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना उनके बारे में, इतना बड़ा नाम है उनका माशाल्लाह और इतना अच्छा गाए. तो आप और क्या सुनाएंगे क्या पहले मुझे ये बताएं, बातें हम कम करते हैं. खमाद से थोड़ा शुरू करूंगा. मैं आया तो असद भाई ने इतना अच्छा माहौल बनाया था, माशाल्लाह बहुत टैलेंट है ये बास इनके भाई लाजवाब माशाल्लाह आपके घर वाले भी, उन्होंने माहौल इतना अच्छा बना दिया है. तो मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको मजीद बढ़ा देंगे. ये मेरा फेवरेट है जो आप करने वाले हैं. अच्छा जी, आप सबकी इजाजत के साथ. बिल्कुल. देर ना
अब मुझे बताएं कि परेशान होना बनता कि नहीं बनता उनका हमेश रेशमिया और एक कॉल आ गई उनसे पूछते हैं आप परेशान हुई हैं सुनते हैं नहीं अस्सलाम वालेकुम ए प्लस मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपका ठीक ठाक कौन बात कर रही है मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से फातिमा लाहौर से जी मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल की है किसी मॉर्निंग शो में थैंक यू सो मच बहुत लगी है फातिमा आपने कॉल की क्या कहना चाहेंगी इतने खूबसूरत मेहमान बैठे हैं मैं ये कहना चाहूंगी पहले तो मैं आप दोनों को कहूंगी आप दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बहुत बहुत खूबसूरत क्या लग रहे हैं ये तो बड़ी सानवी सी तारीफ होती है आप दोनों बड़ी संजीदगी से अपने शो को रन कर रहे हैं मैंने कुछ दिन पहले एक मॉर्निंग शो में देखा था कि मलका तरन्नुम नूरजहान का गाना चल रहा था
बड़ी अच्छी एक सिंगर हैं, वो गा रही थी जी. किसी चैनल पे, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, और जो उनका एंकर था नहीं थी जी. वो मुसलसल मूव कर रही थी, हिल रही थी, नॉन सीरियस था उनका एटीट्यूड था, जिससे वो जो गा रही थी उस बेचारी को भी बार बार हंसी आ रही. मैं ये सोच रही थी कि इतना बड़ा नाम है मैडम नूरजहान का, कितना बड़ा नाम है, मतलब मौसीकी पैदा होती है वहां से, पाकिस्तान में. बिल्कुल. तो उस नाम को तो इतना ट्रिब्यूट मिलना चाहिए कि जिस वक्त उनका नाम ही आए तो नजरें झुक जानी चाहिए रिस्पेक्ट से. और आप उनके गाने को किस तरह से सुन रहे हैं, ये मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने, इन्होंने बच्चे ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, बड़ा सुरीला गाया है. और यही बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान का असासा हैं, जिन्होंने लेके चलने हैं. अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, और इनके माँ बाप को, इनके पेरेंट्स को बड़ी मुबारकबाद है जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए हुए हैं. और हमारा भी फैमिली में जो है थोड़ा सा गाने का चलता है, और मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे सुरीले लोगों को सुनने का. अच्छा अच्छा फातिमा, एक बात आपको मैं बता दूं कि ए प्लस नूरजहान जो है उनके लिए ट्रिब्यूट में पूरा एक महीना गाने शादियाने में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी है. तो वो जरूर देखिएगा आपको गाने शादियाने. आप हमारा एक बड़ा मजे का प्रोग्राम है, शादी के हवाले से गाने होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर सारे मैडम परवेज और हुमैरा चन्ना परफॉर्म करेंगी उनके गानों के लिए ट्रिब्यूट. हुमैरा चन्ना तो बड़ा बड़ी सुरीली लड़की है. बिल्कुल, तो वो जरूर देखिएगा. अच्छा, हमारे आज का टॉपिक भी यही है कि हमारा जो यूथ है वो इतना टैलेंटेड है. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. थैंक यू, थैंक यू फातिमा. टॉपिक देखिए, कान में इतनी इंटरप्शन, नान की कॉल आ गई. अच्छा, फिर कॉल आ गई. आज पता है कॉल और गानों पे ही चलता रहेगा. मैं और जुनैद जरा बैक सीट लेंगे. अस्सलाम वालेकुम अदनान. वालेकुम अस्सलाम प्यारी सुबह में प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ए प्लस. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग जी. क्या हाल चाल है? बिल्कुल, मैं तो खैरियत हूँ, अल्लाह का फजल है. दुआ है मेरी आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, आबाद रहें, और ऐसे ही अपनी मुस्कुराहटे लोगों में बिखेरते रहें. बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपसे पहले बात हो चुकी है ना? जी बिल्कुल, बहुत दफा. और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जब भी मैंने कॉल मिलाई है मिल जाती है, और बहुत सुपर होस्ट और सुपर गेस्टों से बात हो जाती है. थैंक यू सर. कुछ कहना चाहेंगे हमारे दो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत प्यारे हैं, असद अब्बास साहब जी और शुजात अली खान साहब. शुजात अली खान साहब बहुत प्यारी आवाज और बहुत प्यारी शक्ल के मालिक हैं. शुक्रिया. और माशाल्लाह जुनैद, आज मुझे बहुत सुन के यानी दुख हुआ है कि जुनैद भाई का आज गला खराब है. आज तो मैंने एक जुनैद भाई से फरमाइश करनी थी. अच्छा चले, आप फरमाइश कर दें, फरमाइश कर दें, जब मेरा गला सही होगा जरूर गाऊंगा मैं. आप एक गाना है, बल्कि गाना ना समझे, उच्चा तेरा नाम है मौला. जब आपने मॉर्निंग शो कल स्टार्ट करना, तो काइंडली जुनैद भाई ये आपने जरूर ये उच्चा तेरा नाम, बिल्कुल ये गाया किसने हुआ? मजाजन फिल्म का गाना है उच्चा तेरा नाम है मौला. ठीक है, बिल्कुल. थैंक यू सर फॉर योर बहुत बहुत शुक्रिया नान साहब, और आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी. और हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सना मारवी भी हमारे साथ होंगी, और हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कि पाकिस्तानी यूथ इतना टैलेंटेड, इतना अकॉम्प्लिश्ड माशाल्लाह. तो बस आज कॉल्स भी उसी हवाले से बात करते हैं. ठीक है, तो ब्रेक पे जाएं एंड ए प्लस मॉर्निंग.